एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग के पास। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे सिर्फ भरना है, तो यहाँ पे मैं बोर्ड में यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, मैं यहीं पेपर में सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 369 दिया हुआ डिवाइड, और फिर इसका आंसर जो है 369, मतलब इसको हम ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि इतना ही आएगा। तो उसके लिए जो है वन से डिवाइड करने पर उतना ही, किसी भी नंबर को हम वन से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका आंसर जो है वन हो जाएगा, ठीक है, वन हो गया। अब यहाँ पे -25 है डिवाइड, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ -1 है, तो इसको हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा, और माइनस इसमें लगा हुआ है तो किसी एक में माइनस रहेगा तो उसका आंसर जो है माइनस में आएगा, दोनों में माइनस रहेगा तो फिर प्लस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ माइनस हम नहीं रखेंगे। अगर किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो हम इसी नंबर से डिवाइड करते हैं +75 से, तो ऑलरेडी एक तो माइनस है, दूसरा जो है प्लस रहेगा, तो माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 75 हो जाएगा, 75 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और एक में माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 1, अब यहाँ पे इतना दिया हुआ है माइनस में और यहाँ +1 आया हुआ, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस चाहिए, दोनों जगह माइनस होगा तो प्लस आएगा, तो इसको हम इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि फिर से यहाँ पे -206, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 206 को 206 से डिवाइड किए तो 1 बार में, तो 1 आ गया। अब यहाँ पे इसको हम किससे डिवाइड करेंगे कि इतना ही आ जाए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, अब प्लस में हमको चाहिए तो यहाँ माइनस में है, अगर किसी भी प्लस नंबर देते हैं तो फिर वो माइनस आंसर आ जाएगा, इसलिए फिर माइनस नंबर देना होगा, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पर हम 1 से करेंगे, -1 से, 1 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो फिर -1 से किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया और वही नंबर आ गया। अब यहाँ पे किसको हम 1 से डिवाइड करें कि इतना आए, -87, तो -87 लाने के लिए क्या करना होगा, किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, और यहाँ पे माइनस चाहिए तो यहाँ ऑलरेडी ये प्लस में है, तो एक माइनस रहेगा तो माइनस हमको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये माइनस में ही रखना होगा और उतना ही नंबर को रखना होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमको वही मिलेगा, तो -87 हो गया। उसके बाद यहाँ पर -1 चाहिए, -1, किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो 1 आता है, तो -1 चाहिए, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि माइनस में हमको लेना होगा, तो -48 ये हो गया, इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमको -1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ 20 है डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, -2 मिलेगा, तो 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से 20 को डिवाइड करने पर 2 मिलेगा, लेकिन -2 हमको लाना है, तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है तो एक तो हमको माइनस में चाहिए, तो 10 को हम माइनस में लगा देंगे तो हम लोगों को -2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -10, ये हो गया। और लास्ट में यहाँ पे एच नंबर में यहाँ पे किसको हम 4 से डिवाइड करेंगे कि -3 मिल जाएगा, मतलब 4 3 12 को चाहिए हमको, तो यहाँ पे ये प्लस में है तो माइनस में हमको आंसर चाहिए तो -12 कर देते हैं हम, -12, तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको।